वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी स्किल सक्सेस पर। तो फ्रेंड्स, आप सभी के लिए एक अर्जेंट इन्फॉर्मेशन है कि जिपमर में MBBS, BDS और अदर जो मेडिकल कोर्सेज है उनके एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो शेड्यूल है वो रिलीज़ कर दिया गया है। तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं जिपमर के सभी मेडिकल कोर्सेज के लिए जो एग्ज़ाम शेड्यूल है उसके बारे में। तो ये वीडियो आप सभी MBBS स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आपको मेडिकल से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो वो मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं जिपमर की एडमिशन प्रोसेस को। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर जिपमर की बात करें तो जिपमर जो है वो इंडिया के टॉप 5 इंस्टीट्यूट्स में से एक है। और ये जिपमर के जो दो कैंपस है, एक आपका पौंडीचेरी में है और दूसरा कराईकल में है। इसके दो ही कैंपस है। अब बात कर लेते हैं इसके एग्जामिनेशन शेड्यूल की। तो इसके एग्जामिनेशन शेड्यूल की अगर बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं MD और MS की। जो MD MS PG कोर्सेज है उनके लिए जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो 4 मार्च से स्टार्ट हो रहे हैं और 9 मार्च तक इसके लिए जो आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो कर सकते हैं। ठीक है, इसके ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जामिनेशन की जो डेट है वो है 17/5/2020 संडे को। फर्स्ट काउंसलिंग आपकी 11 जून को होने वाली है, फाइनल काउंसलिंग आपकी 23 जुलाई को होने वाली है। ठीक है, और डेट ऑफ क्लोजिंग जो है वो इसकी 31 जुलाई 2020 है। PDF एंड MDS कोर्सेज के बारे में भी आप आगे देख सकते हैं। अब हम सबसे अब बात करते हैं MBBS के बारे में। तो अगर MBBS की बात की जाए तो साफ साफ लिखा है कि MBBS एंट्रेंस एग्जामिनेशन विल बी कंडक्ट बाय नीट काउंसलिंग, डेट विल बी अनाउंस्ड लेटर। तो जो आपका अगर आपने जिपमर में MBBS के कोर्सेज़ में एडमिशन लेना है, MBBS या फिर BDS के कोर्सेज़ में एडमिशन लेना है, तो उससे पहले आपको नीट का एग्ज़ाम जो है वो क्रैक करना पड़ेगा जिसको NTA कंडक्ट करवा रहा है, और उसकी काउंसलिंग की डेट जो है वो बाद में अनाउंस कर दी जाएगी। काउंसलिंग जिपमर के द्वारा ही करवाई जाएगी, लेकिन इसका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो नीट के स्कोर के बेस पे ही इसमें एडमिशन आपको मिलेगा। अब बात कर लेते हैं अदर कोर्सेज के बारे में। अदर मेडिकल कोर्सेज के बारे में अगर बात करें तो बात करते हैं BSc के बारे में। तो BSc का जो है वो आपका 31 अप्रैल 2020 से इसके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहे हैं और आपके ये 21 अप्रैल से स्टार्ट हो रहे हैं और 20 मई तक इसके जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो आपके चलेंगे। ठीक है, उसके बाद बात करें 21 जून को आपके ऑनलाइन एंट्रेंस एग्ज़ाम है इसका BSc कोर्सेज का, 21 जून को, और 8/7/2020 यानी कि 8 जुलाई 2020 को आपकी इसकी फर्स्ट काउंसलिंग होगी और 12 अगस्त 2020 को इसकी फाइनल काउंसलिंग होगी। 31 जो अगस्त 2020 है ये आप डेट ऑफ क्लोजिंग, इसकी एडमिशन्स की डेट ऑफ क्लोजिंग है। बात करें MSc, MPH, PhD, PBD कोर्सेज की, तो 31 अप्रैल 2020 में इसके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहे हैं और 20 मई 2020 तक इसके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चलेंगे। 21 जून को इसका ऑनलाइन एग्ज़ाम है, 7 जुलाई से इसके जो फर्स्ट काउंसलिंग है, फाइनल काउंसलिंग इसकी 11 अगस्त को है। 31 अगस्त से इसके जो एडमिशन्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। अगर आप MDM MS की बात करें 2021 के सेशन की, तो 16 सेप्टेम्बर से इसके जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहे हैं और 31 अक्टूबर तक इसके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो क्लोज हो जाएंगे। ऑनलाइन एंट्रेंस एग्ज़ाम की अगर बात करें तो 6 दिसंबर को इसका ऑनलाइन एंट्रेंस एग्ज़ाम है। फर्स्ट काउंसलिंग आपकी 23 दिसंबर को होने वाली है, सेकंड काउंसलिंग आपकी 9 फरवरी 2021 को होगी। डेट ऑफ क्लोजिंग इसकी 27 फरवरी 2021 है एडमिशन की। DM MCH की अगर बात की जाए तो टोटल डिटेल में आगे दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको किसी भी अगर मेडिकल कोर्सेज में जानकारी प्राप्त करनी हो तो आप आसानी से इसको देख सकें। तो एक बार आप सभी इसका स्क्रीनशॉट लेंगे सभी स्टूडेंट्स। चलिए आगे देखते हैं। आगे अगर बात करें MBBS कोर्सेज अपना हो गया, तो ये कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी हुई है नीचे कि MD MS कोर्सेज फॉर जुलाई एंड जनवरी सेशन कॉमन्स ऑन 1 जुलाई एंड 1 जनवरी रिस्पेक्टिवली। ओके, और DM MCH कोर्सेज कॉमन्स ऑन 1 जनवरी, फेलोशिप PDF कोर्सेज कॉमन इन 1 जुलाई। तो ये कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, इन्हें भी आप देख सकते हैं। अब आगे अगर बात करें तो टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ जिपमर एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर एडमिशन टू अकेडमिक कोर्सेज 2020-21, ये अकेडमिक कोर्सेज है उनका जो पूरा का पूरा शेड्यूल दिया हुआ है, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं।
ठीक है, आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं फ्रेंड्स इसमें नंबर ऑफ सीट्स की, कि सभी जो मेडिकल कोर्सेज है MBBS BDS एंड अदर जो मेडिकल कोर्सेज है उनमें जो नंबर ऑफ सीट्स है वो कितनी है, ठीक है, और कोर्सेज की जो ड्यूरेशन कितनी है और इंटर्नशिप कितने ईयर्स की रहने वाली है, इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन। तो MBBS से स्टार्ट करते हैं। MBBS की अगर बात करें तो 249 इसमें नंबर ऑफ सीट्स है, 4.5 साल का ये आपका कोर्स रहने वाला है और 1 साल का आपका इसका इंटर्नशिप रहेगा, ठीक है। बात कर लेते हैं MSc नर्सिंग की, तो MSc नर्सिंग में कई कोर्सेज है जिनमें नंबर ऑफ सीट्स सब में 5 है, सबका जो ड्यूरेशन है वो 2 साल का है और इसमें इंटर्नशिप नहीं रहने वाली है आपकी। बात करें पोस्ट बेसिक डिप्लोमा कोर्सेज इन नर्सिंग यानी कि PBDN में, तो सब में नंबर ऑफ सीट्स 5 है, टोटल 4 कोर्सेज हैं, 1 साल का आपका ये कोर्स है और इसमें कोई भी इंटर्नशिप आपकी नहीं रहने वाली। आगे अगर बात करें तो आगे आपका ये BSc नर्सिंग है, इसमें 75 सीट्स है, BSc नर्सिंग है, इसमें आपकी 75 सीट्स है, 4 साल का ये कोर्स है और 1 साल की आपकी इंटर्नशिप है BSc नर्सिंग में। आगे BSc अलाइड हेल्थ इंश्योरेंस कोर्सेज है जो कि टोटल 12 है, तो इनमें टोटल सब में जो लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी है उसको छोड़कर सब में आपके 4 सीट्स है और लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी है उसमें आपकी 30 सीट्स है। उसके बाद बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री को छोड़कर जो सभी कोर्सेज है वो 3 साल के हैं और ऑप्टोमेट्री कोर्सेज है वो 1 साल का है, इसमें 1 ईयर की इंटर्नशिप भी है और सब 1 ईयर की इंटर्नशिप जो है वो सभी कोर्सेज में है, जो BSc अलाइड हेल्थ इंश्योरेंस है उनके सभी कोर्सेज में आपको 1 ईयर की इंटर्नशिप है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा डिटेल शेड्यूल था जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसको लेकर। MBBS एंड BDS कोर्सेज के लिए तो एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है वो नीट करवा ही NTA करवा ही रहा है नीट के स्कोर के बेस पे, बाकी के जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है वो जिपमर के द्वारा ही कंडक्ट करवाए जाएंगे, तो उनके जो शेड्यूल है वो रिलीज़ कर दिए गए हैं। तो आप अगर इनमें से किसी भी कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मिल गई है। अगर फिर भी इससे रिलेटेड कोई आपको कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करके कमेंट ज़रूर बताइए, आपके उस कन्फ्यूजन को दूर करने की पूरी पूरी कोशिश हमारे द्वारा की जाएगी। तो यह थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आप सभी को जो डिटेल है जो वीडियो है वो पसंद आई होगी। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर कर दीजिए। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में एक अदर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए गुड लक एंड हैव ए नाइस डे।